अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या मुसलमानों की जानिब से भी रद्द अमल जारी हुआ? क्या अब मुसलमान भी सड़कों पर उतरने लगे? शायद यह सवाल अब आवाम के जहनों में आना शुरू हुआ है। पिछले दो चार दिन से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान भाइयों ने आवाज़ उठाना शुरू किया हुआ है और जाहिर है पुलिस की जानिब से हमेशा की तरह रोकने की भी कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात यह रही कि किसी भी मसलक का तफरका न करते हुए महज मिल्लत के इत्तेहाद और मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आवाज़ें उठाना शुरू हुई है। उत्तर भारत के कुछ वीडियोज आपको दिखाएंगे जिसमें हरिद्वार में हुए यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठ रही है। कालीचरण नाम के नाग को तो गिरफ्तार किया गया लेकिन यति नरसिम्हानंद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन पिछले कई दिनों से खुलेआम आज भी यही यति नरसिम्हानंद घूम रहा है और किसी तरह की गिरफ्तारी की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अगर तमाम तस्वीरों को देखेंगे तो क्या मुल्क वाकई खाना जंगी की तरफ जा रहा है? ऐसा सवाल भी करना लाजिम हो जाता है। सभी जानते हैं कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी तहजीब पर तौहीन-आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुसलमानों की नस्ल खुशी की बात की जा रही है। जाहिर है सब कुछ होने के बाद भी हुकूमतों की जानिब से इन्हीं मुजरिमों को कानूनी पनाह भी दी जाती है। कालीचरण तो गिरफ्तार हुआ पर यति नरसिम्हानंद को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और अगर मुल्क के हालात बिगड़ते हैं तो इसके लिए यकीनन भाजपा हुकूमत ही जिम्मेदार ठहराई जाएगी, क्योंकि उमूमन देखा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो भी जो चाहे बोलने के बाद किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। उत्तराखंड बरेली के साथ कई शहरों में मुसलमानों की जानिब से भी आवाज़ उठाकर धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कुशी पर पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि अगर पुलिस फौज के साथ मुसलमानों पर गोलियां भी चलाई जाएंगी तो एहतजाज जारी रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या भारत के अकलियती तबके को अब इंतजामिया पर भरोसा नहीं रहा? यह एतराजात इसलिए दर्ज हो रहे हैं क्योंकि जहां पर भी भाजपा की हुकूमत है अकलियतों पर ज्यादती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। जरूरत है पुलिस इंतजामिया को आवाम के भरोसे को बरकरार रखने की। अगर धर्म मजहब के नाम पर महज एक ही समाज को निशाना बनाया जाए और दूसरों को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो अकलियतों के जहनों में डर खौफ का माहौल तो बना रहेगा। आज बरेली के इस्लामिया मैदान में मौलाना तौकीर रजा ने हजारों की भीड़ में मुसलमानों की भी धर्म संसद के एहतमाम की बात कही। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि धर्म संसद के नाम पर जो जहरीली तकरीर यति नरसिम्हानंद, जितेंद्र त्यागी, पूजा शकुन पांडे और दिगर अधर्मी लोगों ने की है इन पर सख्ती से कार्रवाई कर फौरी तौर पर जेल के सलाखों के पीछे फेंक दिया जाए और इन्हें सख्त सजा भी दी जाए, क्योंकि अब जिस तरह मुस्लिम समाज धर्म संसद के बाद इतने दिन गुजरने के बावजूद भी कार्रवाई न करने पर एहतजाज के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, कहीं मामला काबू के बाहर न हो जाए। क्योंकि जिस तरह मुस्लिम मौलानाओं ने बयानात के जरिए यह भी कहा कि पुलिस फौज के जरिए मुसलमानों को मारना भी चाहते हैं, क्योंकि धर्म संसद में इसी तरह का बयान अधर्मियों ने दिया है, ऐसा इनका कहना है। इनकी गिरफ्तारी न होना और हुकूमत की खामोशी भी ये बताती है कि धर्म संसद के नाम पर जहर उगलने वालों की पुष्ट पनाही भी हुकूमत कर रही है। मुल्क के अमन अमान को बरकरार रखना है तो धर्म संसद के सरगनाओं की गिरफ्तारी जरूरी है। उत्तर भारत में अधर्मियों के खिलाफ रैलियां निकल रही है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला ने धर्म संसद का एहतमाम करने वालों को गुंडे कहते हुए कहा कि भगवे कपड़े में कोई भी गुंडा बयान दे तो वो संत नहीं बन सकता। इसी तरह कांग्रेस का हेड राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं जिसकी कीमत देश के आवाम को चुकानी पड़ती है। अब मुल्क के कई गैर मुस्लिम भी धर्म संसद में जहर उगलने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैसे तो मुस्लिम समाज इसके बावजूद भी खामोश था लेकिन अब संविधान के दायरे में रहते हुए मुस्लिम रहनुमाओं की रहबरी में एहतजाजी इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं। जहां भी भाजपा की हुकूमत है वहां रोकने की भी कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को कोरोना गाइडलाइन बताते हुए देखा जा रहा है जबकि भाजपा और चुनावी रैलियों को किसी तरह का कोरोना नहीं रहता। धर्म संसद के खिलाफ उठती आवाजें क्या सियासी रुख मोड़ सकती हैं? क्या भारत के दिगर शहरों में भी धर्म संसद के नाम पर अधर्मियों के इजलास पर एहतजाज मुल्की सतह पर होगा क्या और इसका आवाम की आम जिंदगी पर कितना असर होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लिहाजा अब मुस्लिम माशरे में भी बेदारी देखी जा रही है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।